our YouTube channel Hope Healthy Good Guys. ये जो कुर्ती सेट तो मैंने वेयर करा है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. और आज का हॉल होने वाला है साड़ी हॉल जो कि फेस्टिव वेयर स्पेशल है जो मैंने लिया है जोश इंडिया से. सो जोश इंडिया एक ऑनलाइन वेबसाइट है जहाँ पे आप रेप्लिका साड़ीज खरीद सकते हैं. लिंक आपको सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी सो आप वहाँ पे चेक कर ले. आप मुझे कॉमेंट में जरूर से बताना कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लगी और वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर मेरे वीडियोज पसंद है तो. माई फर्स्ट साड़ी इज ब्लैक एंड पिंक कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी पार्टी वेयर साड़ी है, फेस्टिव वेयर साड़ी है जो बहुत ही सुंदर है. एंड ये आती है ये पिंक ब्लाउज के साथ, ऑन स्टेज ब्लाउज. इस पर पूरे जरिए का वर्क करा हुआ है, बैक पे भी आपको वर्क मिलेगा एंड स्लीव पे भी वर्क मिलेगा. सिल्क ब्लेंड ब्लाउज का मटेरियल है. बहुत ही सुंदर बनने के बाद ये लगी है ब्लैक पिंक की कॉम्बिनेशन. एंड साड़ी पे आपको पूरी गोल्डन स्क्वायर स्क्वायर डिजाइन मिल रही है. नीचे को आपको पूरी बॉर्डर मिल रही है जिसपे पर्ल जर्कन एंड मिरर वर्क किया हुआ है जो कि बहुत सुंदर से शाइन कर रही है. आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है साड़ी. ये साड़ी का मटेरियल है चंदेरी कॉटन जो कि बहुत सॉफ्ट है. जो भी इजीली कैरी करना चाहते हैं लाइक हल्का फुल्का सा साड़ी उनके लिए परफेक्ट है. सो आंचल भी सेम है साड़ी की, पूरी फ्रंट से बैक तक पूरी सेम साड़ी है. पल्ला भी इसका सेम आता है. मुझे ये साड़ी काफ़ी पसंद आई, बहुत ही सॉफ्ट है, मटेरियल बहुत अच्छी लगी. एंड सेकेंड रीज़न की जो पिंक कॉम्बिनेशन दे दिया है उसकी वजह से मुझे बहुत सुंदर लगी. लाइट वेट भी बहुत है. गर्ल जो बहुत ये हल्का पुल्का साड़ी पहनना चाहते हैं, बहुत हेवी नहीं पहनना चाहते, उनके लिए परफेक्ट है. आगे मैं और भी क्लोजअप आपको दिखाऊंगी लुकबुक में कि इसका वर्क कैसा है. आप मुझे कमेंट में ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी. मुझे तो पहनकर बहुत हल्की पुल्की सी बहुत अच्छी सी लगी. पिंक कलर के मैंने थोड़े से बैंगल्स इस पर डाल दिए हैं, बहुत ज़्यादा मैंने लुक नहीं इस पर क्रिएट किया है. मेरे पास ब्लैक एक क्रॉप टॉप था तो मैंने इसे वेयर कर लिया, एक पिंक इयररिंग्स डाल दी बस. आप इसे जुड़े के साथ या ब्लाउज बनाने के बाद जब पहनोगे तो और भी ज़्यादा सुंदर लगने वाली है. प्राइस वगैरह आपको स्क्रीन के साइड पर मिल जाएगी. सो कॉमेंट पर ज़रूर से बताना कैसी लगी. मैं साड़ी को रिकमेंड करूँगी क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आई. The night has come, it's cold and losing my control. Your light is gone, and lonely darkness fill my soul. I wish that you could save me from my isolation. सो माई नेक्स्ट साड़ी इज दिस रेड कलर की बहुत ही ब्यूटीफुल सी बनारसी साड़ी है ये. और मटेरियल इसका प्योर सिल्क है. आपको मैंने रेड कलर की बहुत सारी साड़ियाँ दिखा चुकी हैं. आई नो अगर आपको देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार आप चेक कर सकते हैं. सो वहाँ पे आपको सेम साड़ी मिल रही थी, प्राइस भी ऑलमोस्ट सेम ही है. तो उस पर क्या था कि उस पर बूटियाँ छोटी छोटी थी, इस पर बूटियाँ बड़ी है और उस पर गैप कम था, इस पर गैप ज़्यादा है. सो जो भी वैसा नहीं पहनना चाहते हैं साड़ी उनके लिए ये साड़ी परफेक्ट है. सो इस पर पूरा वर्क आ रहा है बॉर्डर पे, ऊपर को नीचे को एंड सेम साड़ी एज इट इज़ है. पल्ला इसका डिफरेंट है, पल्ला पे पूरी जो डिज़ाइन बनी है वो पूरी शाइनी वाली है. सो मैंने यहाँ पे ब्लैक ब्लाउज के साथ आपको दिखा दिया है क्योंकि मेरे पास अभी जो गोल्डन ब्लाउज है मेरे स्टूडियो पे था, अभी इस टाइम मेरे घर पर नहीं था इसलिए मैंने ब्लैक के साथ वेयर करा है. सो यहाँ पर बहुत ही क्लोजअप मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि कितनी शाइन करी है साड़ी, कैसी लग रही है. सो आप डिसाइड कर सकें कि कैसी है. थोड़ी सी हार्ड मटेरियल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है. मैं नहीं कहूंगे कि इतना सॉफ्ट मटेरियल है कि आराम से कोई भी कैरी कर सकता है. जो प्रो है बनारसी साड़ी पहनने में वो इस साड़ी को बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हैं. मुझ जैसे को थोड़ी सी प्रॉब्लम तो होती है क्योंकि वैसे ही हम साड़ी पहनते नहीं और थोड़ी सी जो हार्ड मटेरियल होती है वो मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. सो यहाँ पे मैंने एक लो बन बनाया है, एक इयररिंग्स डाले हैं और गोल्डन कलर के जिसका लिंक माई ज्वेलरी कलेक्शन में मिल जाएगी और ब्लाउज डालकर आपको दिखा दिया है. सो आप मुझे जरूर बताएं कॉमेंट में कि आपको ये साड़ी कैसी लगी और आप मेरी और भी रेड साड़ी देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जरूर चेक करें. इससे सिमिलर साड़ी आपको मिल जाएगी. माई नेक्स्ट साड़ी इज दिस वेरी ब्यूटिफुल सी पिंक कलर की साड़ी जिसका मटेरियल जकार्ड है और बहुत ही सुंदर सी पिंक कलर की ये साड़ी है जो मुझे पहनकर बहुत अच्छी लगी. बट फ्रेंकली जब मुझे मिली थी
तो मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। लाइक मैंने सोचा ये क्या कलर मैंने मंगा लिया, इतना भड़कीला कलर है ना, ये रानी पिंक है ना, ये मैजेंटा पर्पल कुछ अजीब सा कलर है जो फ्रंट पे आपको सामने से बहुत अजीब लगेगा, बट पहनने के बाद मेरी ओपिनियन बिल्कुल चेंज हो गई, जो मैं आपको आगे बताती हूँ। सो यहाँ पे ये ब्लाउज का कपड़ा है उसका, एंड यहाँ पे आपको बॉर्डर मिल रही है जो स्लीव्स पे आप लगा सकते हैं। थोड़ी सी सी थ्रू है, लाइनिंग के साथ ही ब्लाउज आप बनाओगे और लाइनिंग के साथ ही बनती है तो वो ज़्यादा कंफर्टेबल भी होती है। सो यहाँ पे साड़ी पे आपको बॉर्डर मिल रही है जो दोनों तरफ को बॉर्डर है, नीचे भी ऊपर भी, जो बहुत सुंदर लग रही है। छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई है पूरी साड़ी पे, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट साड़ी है, थोड़ी सी सी थ्रू है बट सॉफ्ट साड़ी है, पहनने पे बहुत कंफर्टेबल भी है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। पूरी साड़ी पे आपको सेम मिल रही है बूटियाँ एंड बॉर्डर, एंड बेस्ट पार्ट है इसका पल्ला, इसका पल्ला जो है वो बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे आपको पल्ले पे एकदम शाइनिंग वाला लुक दे रहा है, और इस पे भी पूरी जो डिज़ाइन बनी हुई है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। पल्ले पे आपको टैसल भी लगे हुए हैं, बहुत ही सॉफ्ट है, आप आराम से कैरी कर सकते हैं। लाइक जो भी सोचते हैं कि नहीं मैं ऐसे बनारसी साड़ी कैरी नहीं कर सकती, बहुत हेवी होती है, बहुत मुश्किल होता है, तो उनके लिए ये साड़ी परफेक्ट है। अगर आपको बहुत हेवी लुक देना है और वेडिंग में वेयर करना है तो ये साड़ी बहुत सुंदर लगने वाली है। इस पे आप बीच का पार्टीशन करके एक जूड़ा बना के गजरा लगा के अगर वेयर करोगे तो ये बहुत सुंदर लगेगी। सो मैं इसे भी रिकमेंड करूँगी, मुझे बहुत पसंद आई। हाँ, जब रिसीव होगी तो कलर लगेगा क्या भड़कीला मंगा लिया मैंने, बट उसके बाद आपको लगेगा चलो यार थोड़ा डिफरेंट कलर भी पहनना चाहिए, बहुत सुंदर लगने है, बहुत सुंदर लगेगा स्क्रीन टोन पे। तो मैं इसे रिकमेंड करूँगी। माई नेक्स्ट साड़ी दिस वाइट एंड रेड कलर की साड़ी, और इस पर मैंने ब्लैक ब्लाउज वेयर करके दिखाया है क्योंकि ऑफकोर्स मैंने ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है। सो वाइट कलर की जॉर्जेट की साड़ी है ये, रफल बॉर्डर के साथ, एंड पूरी साड़ी पे आपको ये थ्रेडवर्क का फ्लावर्स वाला वर्क मिलेगा जिसपे आपको रेड ग्रीन का वर्क करा हुआ है। यहाँ पे जो टैसल लगी हुई है दो कपड़े का है, एक रेड है और एक वाइट है, जो मैं आपको बहुत ही क्लोजअप से दिखा रही हूँ। थ्रेडवर्क भी आप देख सकते हैं कि रेड है, ग्रीन है, और यहाँ पे आपको गोल्डन का वर्क मिल रहा है। सो जो वर्क किया हुआ है ना वो बहुत ही अच्छा है। बट साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, ये इसका ब्लाउज का मटेरियल है जो कि बहुत ही ज्यादा रफ मटेरियल है और बहुत खास मटेरियल इसका मुझे नहीं लगा। साड़ी वाइट कलर की जॉर्जेट की है, पूरी ट्रांसपेरेंट है, बट आराम से साड़ी में तो मैनेज हो जाती है पेटीकोट पहनकर। सो यहाँ पे रफल्स भी है, आपको डुअल कलर की मिल रही है। थ्रेडवर्क जो फ्लावर्स बने हुए हैं मुझे पसंद आए, लुक पसंद आई, डिज़ाइन बहुत पसंद आई, बट मटेरियल मुझे उसकी उतनी अच्छी नहीं लगी। अगर मटेरियल इस साड़ी की अच्छी होती तो मैं इसे रेकमेंड करती, बट मटेरियल जो है वो बहुत ही थोड़ा सा चीप काइंड ऑफ मटेरियल है, इसकी वजह से मैं रेकमेंड नहीं करूँगी। बट हाँ, आपको कैमरे पर लगेगा कि ये बहुत खूबसूरत साड़ी है, पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रही है, लुक भी बहुत सुंदर है, डिज़ाइन भी बहुत सुंदर है, बट मटेरियल की वजह से मैं इसे रेकमेंड नहीं करूँगी। My next साड़ी this पिंक कलर की, एक्चुअली ये रानी पिंक भी नहीं है और ये गाजरी पिंक भी नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत पिंक है। ये ऐसा पिंक है जिस कलर का मैं लिपस्टिक हमेशा ढूंढती हूँ, हॉट पिंक या फिर आई डोंट नो कौन सी पिंक है, बट बहुत ही सुंदर सी पिंक साड़ी है ये। और इस पे आपको ये ब्लाउज मिल रही है जो ये बॉर्डर का वर्क करा हुआ है, बहुत ही सुंदर सा वर्क है। एंड यहाँ पे मैं आपको ब्लाउज के पीस दिखा रही हूँ, और कपड़ा आप देख सकते हैं कि बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, और फ्रेंकली मुझे इसका जो मटेरियल है वो पसंद नहीं आया। मेंशन किया हुआ है डिस्क्रिप्शन में कि जकार्ड सिल्क है ये, बट ये साड़ी जो है वो मुझे साड़ी जितने भी मैंने हॉल्स में आपको साड़ी दिखाई है वो इनमें से मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई है, बहुत ही हार्ड है एक्चुअली, मैं इसे बिल्कुल मैनेज नहीं कर पा रही थी। सो यहाँ पे आपको साड़ी पे ये बर्ड्स वाली पूरी डिज़ाइन मिल रही है जो बहुत ही सुंदर लग रही है देखने पे, ऑब्वियसली बहुत सुंदर पूरा पार है। यहाँ पे आपको डुअल आंचल मिल रहा है, एक हाफ आंचल आपको ऐसे स्ट्राइप्स वाले मिल रहे हैं जिसके साइड पे बोर्ड्स बने हुए हैं, एंड फिर आपको दूसरा डिजाइन भी मिल रहा है जिसके लुक काफी खूबसूरत है आप देख सकते हैं। बट अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ तो आई रियली डोंट लाइक दिस मटेरियल, मुझे मटेरियल बिल्कुल पसंद नहीं आया। जो रेगुलर साड़ी पहनते हैं ना वो हैंडल कर सकते हैं साड़ी को, मैं बिल्कुल नहीं कर पाई। यहाँ पे आप देखोगे मैंने बहुत ट्राई करा कि मैं इसे अच्छे से बांधू
प्लीट्स बनाऊँ, बट ना मैं इसका आँचल संभाल पा रही हूँ, ना मैं इसकी प्लीट्स संभाल पा रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं संभाल पा रही हूँ। मुझे डिज़ाइन कलर फ्रेंकली बहुत पसंद आया, बट मुझे ये साड़ी पहनकर बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगा, मुझे पसंद नहीं आई। सो मैं इसे रिकमेंड नहीं करूँगी, बट इसका जो लिखा हुआ है जकार्ड सिल्क, तो माइट बी जो साड़ियाँ पहनती हैं उनको ये पसंद आ सकती है। पिक्चर में भी बहुत ब्यूटीफुल है, एंड एक्चुअल में ये उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कलर है जितने पिक्चर में आया। प्राइस वगैरह आपको साइड में मिल जाएगी। तो जो लेडीज़ इस तरह के थोड़े हार्ड साड़ी संभाल सकते हैं वो वेयर कर सकते हैं, बट मुझ जैसे को तो बिल्कुल नहीं हो पाएगा, आप देख सकते हैं। सो आप कमेंट में मुझे ज़रूर से बताना कि आपको कैसी लगी ये साड़ी। Today's video guys, I hope video पसंद आई हो तो please like, share and subscribe, and मिलते हैं मेरे next video पे। Bye guys.